हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम करेंगे कुछ इस प्रकार का एडिटिंग। तो एक सेट फोटो है आज, तो आज का हमारा यही टॉपिक है। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि चैनल, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर देना, और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ही ना भूलना। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट। पिक्सआर्ट ओपन करने के बाद हम लोग यही बैकग्राउंड ले लेंगे। मैं बता दूँ बैकग्राउंड और PNG के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये बैकग्राउंड ऐड करने के बाद उसके बाद हम एक और PNG ऐड करेंगे, स्काई PNG, जो कि मैं ऐड कर ले रहा हूँ। हमारा यही स्काई PNG है। उसके बाद ऐड करके उसके बाद इसे पहले क्रॉप कर लेंगे एक्स्ट्रा पार्ट जो है। उसके बाद ऐसे डन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद पहले इसे पूरा फुल जूम आउट जूम कर लेंगे पूरा स्क्रीन पर। उसके बाद इरेज वाले टूल पे क्लिक करके इन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद रिस्टोर पे आके साइज को थोड़ा सा बढ़ा के वैसे ऐसे ऐसे ब्रश करेंगे। तो मैं अच्छे से कर ले रहा हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो, वीडियो स्किप कर दे रहा हूँ, आप लोग भी अच्छे से कर लीजिए। सो गाइस, इतना होने के बाद हम अपने मॉडल PNG को ऐड करेंगे। तो अपने मॉडल PNG को ले ले रहे हैं। सो गाइस, हमारा यही मॉडल PNG है, तो मैं इसको एडजस्ट कर ले रहा हूँ। अगर आप लोगों को बैकग्राउंड रिमूव करना नहीं आता तो चैनल पे ऑलरेडी हम इसके बारे में वीडियो बना चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो हम लोग सबसे पहले अपने फ़ोटो को एडजस्ट कर लेंगे। पहले यहाँ थोड़ा सा लंबा है, इसको हटा दे रहे हैं, एडजस्ट कर लेंगे, उसके बाद ऐड कर देंगे। ऐड करके एक PNG और है, हम उसको ऐड कर ले रहे हैं। सो गाइस, हमारा यही दो PNG है। तो इस ब्रोकन हार्ट को सबसे पहले हम ऊपर एडजस्ट कर लेंगे, आप लोग भी कर लीजिएगा। उसके बाद इसको यहाँ हाथ में लगाएंगे, तो थोड़ा सा जूम आउट करेंगे हम और ऐसे एडजस्ट करेंगे कुछ इस तरह सा। इरेज वाले टूल पे जाके ऐसे इरेज कर लेंगे ताकि लगे कि हाथ में पकड़ा गया है। तो ऐसे हम कर लेंगे। उसके बाद हमारा फोटो काफ़ी हद तक सही हो गया है। तो इसके बाद हम ले चलेंगे इसको लाइट रूम के अंदर। तो सो गाइस, हम अपने फ़ोटो को लेकर आ चुके हैं लाइट रूम के अंदर। तो देख लीजिए, यहीं से हमको कलर करप्शन करना है। तो सबसे पहले लाइट वाले टूल पे जाके वाइट को कम, ब्लैक को थोड़ा सा शेडो फुल इंक्रीज करेंगे, हाइलाइट थोड़ा सा। उसके बाद ऐसे कंट्रास्ट को बढ़ा लेंगे, बैलेंस थोड़ा सा बढ़ाएंगे, टेम्प को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, टिंट को थोड़ा सा माइनस। उसके बाद मिक्स वाले टूल पर जाके ग्रीन को फुल माइनस कर देंगे, सेचुरेशन थोड़ा इंक्रीज कर लेंगे। आप लोग कर लीजिए अपने हिसाब से जो अच्छा लगे आप लोगों को। तो हम कर ले रहे हैं, टेक्सचर को माइनस कर देंगे, क्लैरिटी को फुल, DS को बढ़ा लेंगे, विंडिटी को थोड़ा सा। उसके बाद तो गाइस, हम लोगों का फोटो बन चुका है। उसके बाद हम इसे स्मूथ करेंगे ऑटो डेस्केप के अंदर, तो वहीं पर मिलते हैं। सो गाइस, हम अपने फ़ोटो को लेकर आ चुके हैं लाइट ऑटो डेस्केप के अंदर। तो यहीं हम स्मूथ करेंगे अपने फ़ोटो को। तो ऐसे फुल जूम कर लेंगे, उस पर ब्रश सेलेक्ट करेंगे, इस मज वाले में यही हमारा ब्रश रहेगा। सेटिंग देख लीजिए। उसके बाद साइज को थोड़ा सा छोटा करेंगे, उसके बाद स्मूथ करेंगे। तो मैं कर लेता हूँ, आप लोग भी कर लीजिएगा, मैं वीडियो स्किप कर दे रहा हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो। सो गाइस, हम अपने फ़ोटो को स्मूथ कर लिए हैं। तो ले चलेंगे स्नैपशीट के अंदर, वहाँ से थोड़ा बहुत एडजस्ट करेंगे। तो हम अपने फ़ोटो को लेकर आ चुके हैं स्नैपशीट के अंदर। उसके बाद टीन इमेज पे जाके लिनियस को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, उसके बाद डन कर देंगे। उसके बाद टोटल कंट्रास्ट पे जाके हाई टोन को माइनस करेंगे, थोड़ा थोड़ा कम कर लेंगे सबको, इसको बढ़ा देंगे, उसके बाद डन कर देंगे। उसके बाद विग्निटी में जाके स्टाइल स्ट्रेन को कम, सेचुरेशन थोड़ा कराएंगे, डन कर देंगे। उनका फोटो बनके तैयार हो चुका है। तो भाई, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना।